कोरोना महामारी में हुए अनलॉक के बीच बढ़ते क्राइम और नक्सली घटनाओं के मद्देनजर बुंडू अनुमंडल के विभिन्न चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सीनियर पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर विशेष रूप से दोपहिया चार पहिया वाहनों की चेकिंग की जा रही है। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में कई बार अपराधी और नक्सली बाइक से हथियार को पूर्व निर्धारित जगह पर पहुंचाने का भी काम करते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों इलाके में पूर्व नक्सली की बाइक सवार लोगों ने पीछा करते हुए गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए अब संवेदनशील इलाकों में और चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। हेलमेट, लाइसेंस, बीमा के कागजात की भी चेकिंग की जा रही है। कोरोना के मद्देनजर हेलमेट के साथ मास्क नहीं पहनने वालों को भी जागरूक किया जा रहा है। हेलमेट, मास्क और वाहन के जरूरी कागजात नहीं रहने पर फाइन भी काटा जा रहा है। झारखंड सरकार के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पे एंटी क्राइम चेकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई बाहर से कोई हथियार लेके आ तो नहीं रहा है, कोई लेके जा तो नहीं रहा है। और उसके बाद क्या करते हैं, लाइसेंस, हेलमेट और इंश्योरेंस इत्यादि पेपर की हम लोग जाँच कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी ले रहे हैं कि लोग अवेयर है कि नहीं मास्क पहनने के प्रति, वो लोग मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं। और आए दिन का कहते हैं यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहता है हेलमेट ना पहनने के कारण, तो हम लोग इस बात को भी ध्यान में रख रहे हैं कि लोग हेलमेट पहने कि नहीं पहने हैं, और नहीं पहने तो उनको अवेयर कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को देखिए, ध्यान दीजिए। सबरंग समाचार के लिए बुंडू से जीतेंद्र सार की रिपोर्ट।